नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप अपना नया घर बनवा रहे हैं या फिर अपने किचन को अपडेट करवा रहे हैं तो आप किचन चिमनी के बारे में जरूर सर्च कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट में किचन चिमनी के बहुत से ब्रांड के बहुत से मॉडल अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से आपको ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन उसी की वजह से आपका कन्फ्यूजन भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए मेरे काफी सब्सक्राइबर मेरे से ये पूछते हैं कि सर, डक्ट वर्सेस डक्टलेस चिमनी में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और डक्ट वर्सेस डक्टलेस चिमनी के 5 मेजर पॉइंट्स में कंपेयर करेंगे। वो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 इंस्टॉलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 2 परफॉर्मेंस, नंबर 3 नॉइज लेवल, नंबर 4 साइज एंड स्पेस और नंबर 5 मेंटेनेंस एंड सर्विस। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डक्ट चिमनी बेहतर है और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डक्टलेस चिमनी बेहतर है। यदि आप एक किचन चिमनी लेना चाहते हैं सही साइज और सही टाइप की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट चिमनी सेलेक्ट कर सकें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर मैं होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड रिव्यू एंड अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, किचन चिमनी का मेन काम होता है जब आप खाना बनाते हैं तो उस खाने की वजह से जो फ्यूम्स, स्मोक और अदर हार्मफुल पार्टिकल क्रिएट होते हैं उनको आपके किचन से खींच के बाहर निकालना। इंस्टॉलेशन के हिसाब से किचन चिमनी मार्केट में 2 टाइप की अवेलेबल हैं, डक्ट चिमनी और डक्टलेस चिमनी। सबसे पहले बात करते हैं डक्ट चिमनी का। तो इस चिमनी में चिमनी के साथ एक डक्ट कनेक्ट होता है जिसका एक एंड चिमनी से कनेक्ट होता है और दूसरे एंड को विंडो या वॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। जब आप ब्लोअर ऑन करते हैं तो ब्लोअर आपकी किचन में से स्मोक, फ्यूम्स और अदर हार्मफुल पार्टिकल को खींच के किचन से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपकी किचन फ्रेश बनी रहती है। बात करें फिल्टर की, तो डक्ट चिमनी में मैश और बैफल फिल्टर का यूज किया जाता है। आजकल की एडवांस चिमनी में आपको फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें डक्टलेस चिमनी की, तो इसमें डक्ट का यूज नहीं किया जाता है। इसमें बैफल फिल्टर और मैश फिल्टर के साथ एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर का यूज किया जाता है। जब आप चिमनी के ब्लोअर को ऑन करते हैं तो ब्लोअर आपके किचन में से फ्यूम्स और स्मोक को खींचता है और इन फिल्टर के थ्रू पास कराता है, जिससे एयर फिल्टर हो जाती है। उसके बाद इस फिल्टर एयर को आपके किचन में वापस छोड़ दिया जाता है। इस टाइप की किचन में आपको एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर को बार बार रिप्लेस कराना होता है। वो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अब क्योंकि इसमें डक्ट का यूज नहीं किया जाता तो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस टाइप की चिमनी को यूज करने के लिए। आप इसको किचन में कहीं भी फिट करा सकते हैं। आइए इनको पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि कौन से टाइप की चिमनी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। इसमें नंबर 1 है इंस्टॉलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंस्टॉलेशन की बात करें तो डक्टेड चिमनी का इंस्टॉलेशन थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको डक्ट को इंस्टॉल कराना होता है और किचन में से बाहर निकालना होता है, जिसकी वजह से आपको लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है और हो सकता है कि डक्ट को बाहर निकालने की वजह से आपको किचन की कोई दीवार भी तोड़नी पड़े, तो इसे थोड़ी तोड़फोड़ भी हो जाती है। वहीं डक्टलेस चिमनी को इंस्टॉल कराना काफी आसान होता है और इसका लेबर चार्ज भी कम होता है। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो डक्टेड चिमनी को आप ऐसी जगह पर फिट करा सकते हैं जहां पर या तो कोई विंडो हो या फिर कोई ऐसी वॉल हो जहां से आप उसकी डक्ट को बाहर निकाल सकें, जिसकी वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम मिलती है और कई बार ऐसा होता है कि आप डक्टेड चिमनी को इंस्टॉल नहीं करा पाते। वहीं यदि आप रेंट पर रहते हैं तो डक्टेड चिमनी को इंस्टॉल कराना और अनइंस्टॉल कराना काफी मुश्किल हो जाता है, और ये भी हो सकता है कि लैंडलॉर्ड आपको इसकी परमिशन ना दे। वहीं डक्टलेस चिमनी को आप किचन में कहीं भी फिट करा सकते हैं और इसको चेंज करना भी काफी आसान होता है और इसमें लेबर चार्ज भी कम लगता है। तो यदि आपका इंस्टॉलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया है तो इस पॉइंट पे डक्टलेस चिमनी बेटर है डक्ट चिमनी से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो डक्टेड चिमनी को जब आप ऑन करते हैं तो उसका ब्लोअर फ्यूम्स, स्मोक और अदर हार्मफुल पार्टिकल को आपके किचन में से खींच के बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हीट, मॉइस्चर और कंडेंसेशन डेवलप नहीं होते और आपको एक कूलर और ड्रायर किचन मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें बैफल फिल्टर के साथ चारकोल फिल्टर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको अच्छी सक्शन पावर मिलती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। वहीं डक्टलेस चिमनी की बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर होने की वजह से आपके किचन का फ्यूम्स और स्मोक तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन हीट और मॉइस्चर वैसे ही बने रहते हैं और कई बार आपको ह्यूमिडिटी का सामना भी करना पड़ता है एज कम्पेयर टू डक्ट चिमनी। इस चिमनी में बैफल फिल्टर के साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर से भी एयर को पास कराया जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लोअर को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है और आपको परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू डक्ट चिमनी काफी कम मिलती है। तो यदि आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो इस पॉइंट पे डक्ट चिमनी डक्टलेस चिमनी से बेहतर है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉइज लेवल की, क्योंकि नॉइज लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिमनी की वर्किंग में। यदि आपकी चिमनी ज्यादा शोर मचाएगी तो आपको किचन में काम करने में काफी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डक्टलेस चिमनी की, तो डक्टलेस चिमनी का नॉइज लेवल थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसके ब्लोअर को एक्स्ट्रा पावर लगानी होती है एयर को फिल्टर से पास कराने के लिए और रीसर्कुलेटिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए।
तो उसका नॉइस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं डक्ट चिमनी की बात करें तो इसमें नॉइस लेवल थोड़ा कम होता है क्योंकि इसके ब्लोअर को एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें खाली बैफल फिल्टर या मैश फिल्टर होता है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है और इसका नॉइस लेवल भी कम होता है। तो यदि आपका नॉइस लेवल क्राइटेरिया है तो इस पॉइंट में डक्ट चिमनी बेहतर है डक्टलेस चिमनी से। अब बात करते हैं साइज और स्पेस की। तो यदि साइज की बात करें तो इन दोनों ही टाइप की चिमनी का चिमनी साइज सेम होता है। यदि आपके घर में 2-3 बर्नर हैं तो आपके लिए 60 सेंटीमीटर का साइज सफिशियंट होगा। वहीं यदि आपके घर में 4-5 बर्नर हैं तो आपके घर में 90 सेंटीमीटर का साइज सफिशियंट होगा। बात करें स्पेस की तो डक्ट चिमनी स्पेस ज़्यादा कवर करती हैं क्योंकि उसमें आपको डक्ट को इंस्टॉल कराना होता है और आप उनको सिर्फ वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे आपको विंडो या ऐसी वॉल हो जिससे आपको डक्ट को बाहर निकाल सकें। वहीं डक्टलेस चिमनी को आप किचन में कहीं भी फिट कर सकते हैं और ये स्पेस काफ़ी कम कवर करते हैं। तो यदि आपका साइज और स्पेस क्राइटेरिया है तो इस पॉइंट पे डक्टलेस चिमनी बेटर है डक्ट चिमनी से। दोस्तों अब बात करते हैं अपने आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंटेनेंस और सर्विस की। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब तक की वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि इस पॉइंट पे कौन सी चिमनी बेहतर है। बात करें डक्टलेस चिमनी की तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर का यूज़ किया जाता है जो स्मोक और फ्यूम्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को क्लीन करता है, जिसकी वजह से आपको इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। अब वो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, यानी इस चिमनी का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है। वहीं डक्ट चिमनी में ये फिल्टर नहीं होता तो आपको इसको रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। डक्टलेस चिमनी में पावरफुल फैन का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से इसका रनिंग एक्सपेंस और पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है डक्ट चिमनी के मुकाबले। तो यदि आपका मेंटेनेंस और सर्विस क्राइटेरिया है तो इस पॉइंट पे डक्ट चिमनी बेहतर है डक्टलेस चिमनी से। दोस्तों मैंने कुछ बेस्ट ऑटोक्लीन चिमनी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यदि आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं और वहाँ से उनको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कंक्लूजन की तो यदि आपका क्राइटेरिया स्पेस इंस्टॉलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी है तो डक्टलेस चिमनी बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। वहीं यदि आपका स्पेस का कोई इशू नहीं है और आप एक ऐसी चिमनी लेना चाहते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले और नॉइज लेवल और मेंटेनेंस भी कम हो तो डक्ट चिमनी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था डक्ट वर्सेस डक्टलेस चिमनी का कंपैरिजन। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।